तो दोस्तों आज हम आपको गार्डन में यूज होने वाली बहुत ही बेस्ट टिप बताने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, इसकी बिल्कुल ना करें। नर्सरी से लाए हुए पौधों के साथ हमें पॉली बैग तो अवश्य मिलता है। आप इसे क्या करते हैं, या तो इधर उधर फेंक देते हैं या कूड़े में डाल देते हैं, तो आज के बाद इसे फेंकना नहीं है, इसका हम अपने गार्डन में रीयूज कर लेते हैं। रीयूज करने के लिए पहला है कि हम अपने प्लांटों को डिवाइड करके एक से अनेक बनाने में इसका यूज कर लेते हैं। हम बल्ब लगा लेते हैं या उसके बेबी प्लांट लगा लेते हैं। दूसरा यूज ये है कि हम इस पॉली बैग में कुछ सीडलिंग कर लेते हैं, जिससे हमारी शॉपलिंग तैयार हो जाएगी। शॉपलिंग तैयार करने के लिए हम इसमें सीड डाल देते हैं और थोड़े दिन के लिए रख देते हैं, हमारी शॉपलिंग तैयार हो जाती है। तीसरा यूज दोस्तों ये है कि हम इस पॉली बैग में मिट्टी भर के कटिंग तैयार कर लेते हैं। मिट्टी भरते हैं और इसमें कटिंग लगा देते हैं। कटिंग लगाने के बाद कुछ दिन बाद इसमें हमारी अच्छी से अच्छी कटिंग तैयार हो जाती है, जिसको हम अपने पड़ोसियों को दे सकते हैं, किसी को देना हो तो दे भी सकते हैं, और हमारा पॉली बैग यूज हो जाता है। इस तरह से दोस्तों हमें अपने नर्सरी से लाए हुए प्लांटों के साथ मिलने वाले पॉली बैग को बिल्कुल नहीं फेंकना है, उसे रीयूज कर लेना है। इसके बाद दोस्तों इसमें पानी डालना भूल ना जाए, इसके लिए हम इन्हें अपने किसी बड़े गमले में रखते हैं, जिससे कि हम पानी डालना भूलें ना और इसमें समय समय पर पानी देते रहें, जिससे हमारे पौधे हरे भरे रहें, स्वस्थ रहें और हमारी हम भी